प्रणाम भैया। मेरा नाम ब्रिज किशोर दास है, हर नौते जीविका ऑफिस से आए हैं। हमारा लालती देवी नाम है, मुसहरी के रहने वाले हैं। सरस्वती सुन सहायता के कोषा हैं, कल्पना जीविका ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं। हरनौत प्रखंड के रहने वाला है, नालंदा जिला के रहने। हरनौत जीविका ऑफिस से हमको मालूम हुआ है कि मुसहरी में बीजामृत बनाते हैं, आप बनाते हैं दीदी? हाँ बनाते हैं। हमको सिखा दीजिएगा बीजामृत बनाने के लिए? हाँ जी सिखा दीजिए। चलिए भैया, बीजामृत बनाने के लिए सारा सामान रख लिए, आइए भैया। यहाँ पर देखिए भैया, देखिए भैया सारा सामान बीजामित्र बनाने के लिए है। अच्छा अच्छा, सब सामान बीजामित्र? हाँ भैया, हाँ वह बनाने के लिए है। ये गौ का मूत्र है देसी का भैया, 5 लीटर। अच्छा, 5 लीटर हाँ है, हाँ देसी गाय का है। या 5 किलो गोबर है भैया? 5 किलो गोबर है। हाँ गोबर देसी गाय का, देसी गाय का। या मरा हुआ चूना है? मरा हुआ चूना कितना दे रही? 50 ग्राम। हाँ यारी का मट्टी है भैया, यारी का मट्टी मट्टी है। या 20 किलो पानी? अच्छा 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी। या 5 लीटर गौमूत्र ना रहे भैया? अच्छा, गौमूत्र इसी पानी में डालना है? हाँ भैया इसी में डालना है। गोबर ना रहे 5 लीटर भैया? अच्छा, गोबर भी इसमें डालना है? हाँ। या 50 ग्राम चूना ना रहे भैया? चूना भी इसमें डालते हैं दीदी? हाँ। या यारी के मिट्टी है भैया? यारी की मिट्टी भी डालना है? हाँ। चौबीस घंटे ने भैया 2 बार एरा चला देना है। अच्छा, दो बार 24 घंटा में चला देना? हाँ भैया 2 बार चला देना है, सुबह शाम में। हाँ शाम में, सुबह में। चलिए भैया ठंडा जगह पर रख देना है 24 घंटा के। चलिए 24 घंटा लाइए, हम ले जाते हैं। अब 24 घंटा तक इसको यहीं छोड़ देना? हाँ भैया इस जगह रख देना 24 घंटा के लिए ठंडा जगह पर। दीदी आप कितना दिन से बीजामृत से बीज शोधन कर रहे हैं? 6 महीना से भैया कर रहे हैं। 6 महीना से? हाँ 6 महीना से। इससे अच्छा फसल उगता है? हाँ भैया अच्छा फसल होता है, बहुत अच्छा। सब दीदी से निवेदन है कि बीजामित्र से बीज शोध कर लगाइए, अच्छा होता है। बहुत धन्यवाद दीदी जो आपने हमें बीजामित्र से बीज शोधन के बारे में बताया। यहाँ से जाने के बाद हम अपना गाँव में समूह दीदी को बताएंगे कि आप लोग भी बीजामित्र से बीज शोधन करके ही लगाइए ताकि अच्छा फसल मिले। जाइए भैया, धन्यवाद, आप अपना क्षेत्र में जाके लगाइए।